हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आ रहा हूँ डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि ट्रबल शूटिंग पे ही आधारित है आज का क्वेश्चन। और इसमें है कि अगर रिफ्लक्स लो होगा तो क्या होगा। ट्रबल शूटिंग में मैं नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग लाया हूँ और इसमें हम ये समझेंगे कि अगर हमारा किसी भी वजह से डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स जीरो हो गया या रिफ्लक्स नहीं है या लेस रिफ्लक्स है तो क्या होगा और उसके कारण क्या होंगे और उसके जो है इम्पैक्ट क्या होंगे और उन्हें कैसे हम रिमेडीज एक्शन उस समय लेंगे, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं। दोस्तों, ये डिस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ से हम टावर में फीड दिए और जब फीड दिए दोस्तों तो और जो है जैसे हमारा लिक्विड बॉटम में आया उसे हम फिर से यहाँ पे रिबॉइल किए और फिर वेपर फिल वेपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। वेपर इंटाउ ट्रेस होते हुए कंडेंसर में गई, कंडेंसर से एकुमुलेटर में आई, एकुमुलेटर से 30% के आसपास हमने रिफ्लक्स दे दिया और बाकी 70% को प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लिया। बाकी ये जो दोस्तों ये जो लाइन है ये उस समय हम यूज करते हैं जब इसमें बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है, यानी कि कचरा का मतलब कि जो है लेस वोलाटाइल कंपोनेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो एक तरह से नॉन वोलाटाइल है वो वोलाटाइल होंगे ही नहीं, कितना भी इनको बार बार वो करो लिक्विड मिक्सचर वो वोलाटाइल नहीं होंगे। तो उस हाई बॉयलर्स को हम यहाँ से ड्रेन कर लेते हैं टाइम टू टाइम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि रिफ्लक्स हमारा लो है, यानी कि यहाँ पे FIA जो है ये हमारा रिफ्लक्स को शो कर रहा है। तो अगर हमारा FIA जो है जीरो रिफ्लक्स शो कर रहा है तो क्या क्या रीजन है, क्या क्या ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारा रिफ्लक्स जीरो हो जाएगा। सबसे पहले हम रीजन ढूंढेंगे। तो पॉसिबल रीजन तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले कि FI रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है, कि FI जो है फ्लो इंडिकेशन है, जो रिफ्लक्स फ्लो इंडिकेशन जो है सपोज करो कि वो रॉन्ग ही इंडिकेट कर रहा हो, गलत दिखा रहा हो। उसके बाद या तो FI माउंटिंग चोक या इसकी जो माउंटिंग है इंस्ट्रूमेंट की माउंटिंग है वही चोक है जिसकी वजह से ये गलत शो कर रहा है। अगर ये दोनों क्लियर कर लेंगे, अगर ये क्लियर नहीं है तो तीसरा हमारा रीजन हो सकता है कि रिफ्लक्स ट्रांसफर पम्प वॉट ट्रिप, रिफ्लक्स जो भेज रहा है पम्प वही किसी वजह से ट्रिप हो गया हो, या एक्यूमुलेटर लेवल इम्पटी, एक्यूमुलेटर में कोई लेवल ही नहीं है जिसकी वजह से पंप को सक्शन ही नहीं मिला, पंप कैविटेट हो गया और रिफ्लक्स भेजा ही नहीं, या रिफ्लक्स लाइन चोक, जिस लाइन से हम भेज रहे हैं वो लाइन ही चोक है, किसी वजह से रिफ्लक्स लाइन चोक है, या रिफ्लक्स कंट्रोल वाल मालफंक्शन, ये जो रिफ्लक्स कंट्रोल वाल है वो मालफंक्शन कर रहा हो। मालफंक्शन का मतलब कि 100% आपने खोला लेकिन वहाँ पे गए तो पता चला कि बिल्कुल खुला ही नहीं, वो तो बंद है, उसकी जब स्टॉक चेकिंग कराए तो पता चला कि वो तो हिल ही नहीं रहा है। तो एक तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टावर टेम्परेचर लो एज वेल रिबॉयलर टेम्परेचर लो। अगर हमारा टावर का टेम्परेचर लो है, टावर का टेम्परेचर लो मतलब कि रिबॉयलर में स्टीम ही नहीं जा रही है, तो टावर का टेम्परेचर लो रहेगा तो ना वेपर ऊपर उठेगी ना वो कंडेंस होगी ना इसमें लेवल होगा। तो एक ये भी रीज़न है कि टावर का टेम्परेचर ही बैठा हो, वेपर बिल्कुल नहीं कंडेंसर में जा रहे, जब कंडेंसर में जाएगी तभी तो एक्यूमुलेटर में आएगी और एक्यूमुलेटर में आएगी तभी तो पंप उसे भेजेगा। तो एक ये भी रीज़न है। नेक्स्ट हमारा टावर प्रेशर लो, टावर का प्रेशर ही बहुत कम है जिसकी वजह से रिफ्लक्स नहीं मिल रहा, और आप जानते हो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर लो है तो प्रेशर भी लो होगा। रिबॉयलर स्टीम सप्लाई कर, किसी ने रिबॉयलर में जो स्टीम है स्टीम की जो सप्लाई है वही बंद कर रखी हो। लेवल हाई इन टावर, टावर में लेवल हाई होने की वजह से भी हमें रिफ्लक्स जो है नहीं प्राप्त होता है। वो हाई कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सपोज करो कि ये पूरा टावर का लेवल तो यहाँ तक भरा है, किसी वजह से ये ट्रे भी पूरी लिक्विड से भरी है, तो जब लिक्विड से भरी रहेंगी ट्रे पूरी, ट्रे तक भी पूरा लिक्विड भरा है किसी वजह से, सपोज करो लेवल बढ़ गया,
टावर का लेवल बढ़ रहा है, तो उस केस में यहाँ पे सपोज करो कि लिक्विड है, यहाँ पे आप कितना भी वेपर जनरेट करोगे वो लिक्विड को तो जो वहाँ पे टावरों में लिक्विड पूरा भरा है उसे तो जाने ही नहीं देंगे, वेपर को जाने ही नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में हमारा जब वेपर जाने ही नहीं देंगे, ट्रिप पूरी दबा के रखेंगे उन्हें, तो उस केस में वेपर बिल्कुल ऊपर उठेगी नहीं, और जब वेपर उठेगी नहीं तो कंडेंस नहीं होगी, एक्युमुलेट नहीं होगी और पंप उसे भेजेगा नहीं। ये तो दोस्तों हमारा प्रोसेस साइड का फॉल्ट रहा। कोई भी अगर ट्रबल शूटिंग करते हैं तो दो साइडों में करते हैं, एक प्रोसेस साइड में और एक यूटिलिटी साइड में। तो ये तो प्रोसेस साइड का फॉल्ट इतना रहा जिसकी वजह से रिफ्लक्स नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कि यूटिलिटी साइड से क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। यूटिलिटी हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक तो हमारी स्टीम है, यहाँ स्टीम है यूटिलिटी के रूम में, और दूसरा यहाँ पे चिल्ड ब्रायन है। चिल्ड ब्रायन जो कंडेंसर में जा रही है, चिल्ड ब्रायन का टेम्परेचर -14 डिग्री के आसपास होता है दोस्तों, -14 डिग्री या कहीं कहीं -15 -16 जो भी है वो रेफ्रिजरेंट के ऊपर होता है, और सॉरी वो वहाँ के सेट वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। तो ये माइनस में टेम्परेचर हमारा ब्रायन का होता है, चिल्ड ब्रायन यहाँ कंडेंसर में दे दिया हमने। तो अब देखते हैं, ये तो प्रोसेस साइड का हमने बता दिया आपको क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। अब यूटिलिटी साइड का देख सकते हैं कि चिल्ड ब्रायन, यहाँ पे चिल्ड ब्रायन सप्लाई कट बाय पंप ट्रिप या लाइन लिखे, जो यहाँ पे हम चिल्ड ब्रायन दे रहे हैं उसकी सप्लाई कट हो गई है। क्यों कट हो गई है? कि चिल्ड ब्रायन को भेजने वाला जो पंप है वही ट्रिप हो, या चिल्ड ब्रायन का जो पंप है वो तो भेज रहा है लेकिन बीच में कहीं लाइन लीकेज है जिसकी वजह से पूरा पूरा ब्रायन वहाँ बह जा रही है और यहाँ तक हमारा ब्रायन पहुँच ही नहीं रही है। एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा TIC माल फंक्शन लेस फ्लो या नो फ्लो। यहाँ पे जो TIC लगा है चिल्ड ब्रायन सप्लाई में, जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल TCV टेम्परेचर कंट्रोल वाल जो लगा है जो ब्राइन ब्राइन कूलर में, तो वो क्या है माल फंक्शन कर रहा है। माल फंक्शन का मतलब कि दिखा तो रहा है कि 100% खुला है लेकिन वो एक्चुअल में खुला ही नहीं है, 20% भी नहीं खुला है, 0% खुला है। तो ये माल फंक्शन हो सकता है कर रहा हो, या कंडेंसर गॉड फ्रीज, कंडेंसर किसी भी वजह से फ्रीज हो गया है। फ्रीज क्यों हो गया है दोस्तों? सपोज करो टावर में वाटर पार्टिकल आ गए हों, वाटर पार्टिकल जैसे ही आए यहाँ पे, जानते हो कि यहाँ पे जब -14 डिग्री है तो अगर मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट किसी भी वजह से अगर चले गए कंडेंसर में, ब्राइन कंडेंसर में, तो -14 डिग्री चल रहा है तो वो तुरंत क्या होंगे, वो तुरंत आइस फॉर्मेशन हो जाएंगे और ये इसे तुरंत चोक कर देंगे। तो एक ये भी रीजन हो सकता है, या फाउलिंग, या कंडेंसर में फाउलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो लिक्विफाई नहीं हो रही है हमारे वेपर, और जब लिक्विफाई नहीं हो रही तो एक्युमुलेटर में नहीं आ पा रही है जो लिक्विड, और पंप उसे रिफ्लक्स के रूप में दिख ही नहीं पा रहा है, अनलोड हो जा रहा पंप। नेक्स्ट है हमारा हाई वेपर लोड इन कंडेंसर, कंडेंसर में बहुत ज़्यादा वेपर लोड है जिसकी वजह से जो है, अगर कंडेंसर में वेपर लोड तो नहीं कह सकते, हाई वेपर लोड इन कंडेंसर। एंड यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि हाई टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो सकता है कि जो हमारा टेम्परेचर लोड है वो हाई है, जो वेपर का जो टेम्परेचर लोड है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो। सपोज करो कि इसे कूलिंग, ये कूलिंग कितने, सपोज करो कि ये अगर इसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर मिलेगी तो ये इजीली उसे कंडेंस कर देगा 50 या 60। अगर यही खूब टेम्परेचर, वेपर का टेम्परेचर अगर आप 200 तक बढ़ा के भेजो तो वो कूलिंग उसकी जो है उसको कंडेंस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी है कूलिंग ड्यूटी है कंडेंसर की कुछ और है, आप कुछ और भेज रहे हो। ये मैक्सिमम 100 तक या 150 तक कंडेंस करा सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के वेपर भेज रहे हो तो वो कंडेंस नहीं होगा, तो कंडेंस नहीं होगा तो हमारा रिफ्लक्स मिलेगा नहीं। तो ये हो सकता है हाई टेम्परेचर ऑफ चिल्ड ब्राइन, जो ब्राइन है, ब्राइन हम जानते हैं कि -14 -15 -10 होता है। अगर यही ब्राइन का टेम्परेचर हम
प्लस में 10 रखें या 12 रखें, तो इसका मतलब कि पहले से ही ब्राइन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो जब ब्राइन का टेम्परेचर 10-12 अब चलाओगे तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वेपर जो है 12 और या 14 पे कंडेंस नहीं होगी। बहुत सारी हो जाती हैं लेकिन वो वेपर के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो जो है ब्राइन का ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वो कंडेंस नहीं हो पा रही है, तो एक ये भी रीजन है। और FIC माल फंक्शन रिबोइलर का FIC जो है माल फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्टीम की ओपनिंग कम या ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है टावर का। और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो वेपर नहीं उठ रही है और कंडेंस होके हमारा रिफ्लक्स नहीं मिल पा रहा। तो ये तो हमारा यूटिलिटी साइड की रीजन है रिफ्लक्स न मिलने का, और ये प्रोसेस साइड का रीजन है। अब हम चलते हैं कि क्या होगा अगर रिफ्लक्स नहीं मिलेगा हमें, तो क्या होगा दोस्तों। तो अगर डिस्टिलेशन कॉलम को रिफ्लक्स नहीं मिलेगा तो रिफ्लक्स जो है तीन चीज़ बेसिकली करता है। एक तो टावर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, एक तो टावर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, टावर का प्रेशर मेंटेन करता है और प्योरिटी मेंटेन करता है, जो है प्योरिटी मेंटेन करता है और रिबॉयलर को या ट्रे को ओवर हीटिंग से बचाता है, उनमें लेवल मेंटेन भी करता है। तो और रिफ्लक्स का पर्पस क्या है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना ही रखी है, उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें वो करेगा नहीं, ये तो हमारा हो गया रीज़न। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हमारा रिफ्लक्स नहीं मेंटेन होगा और रिफ्लक्स जीरो है तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले जो है टावर का प्रेशर बढ़ेगा। टावर का प्रेशर इसलिए टावर का प्रेशर और टावर का टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप रिफ्लक्स दे ही नहीं रहे हो, रिफ्लक्स नहीं दोगे तो टावर का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि रिफ्लक्स ठंडा होता है तो वो पूरा इसे टावर के ट्रे को ठंडी करते हुए पूरा लिक्विड में भर के ठंडा करते हुए नीचे आता है। तो एक तो टावर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टावर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टावर का प्रेशर भी बढ़ेगा, और तीसरा जो प्योरिटी है दोस्तों, प्योरिटी वो अच्छी नहीं मिलेगी। प्योरिटी अच्छी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी दोस्तों? क्योंकि हमारा जो रिफ्लक्स यहाँ पे हम गिराते थे वो क्या करता था, लिक्विड जो है वेपर यहाँ से जो रिफ्लक्स लिक्विड के रूप में गिरता था वो पूरा जो वेपर को दबाते 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 नीचे आता था, और वेपर नीचे से दबती उठती 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 ऊपर जाती थी। तो लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट जो है ज़्यादा टाइम तक मिलता था। तब ज़्यादा टाइम तक मिलेगा तो प्योरिटी सेपरेशन अच्छी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम तक हम कांटेक्ट टाइम देंगे उतना ही हमारा सेपरेशन अच्छा होगा। तो इस तरह से हमारा प्योरिटी भी बिगड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो खाली होगी सब ट्रे, तुरंत वेपर उठी कंडेंस होगी, तो एक तरह से ये भी प्योरिटी दोस्तों क्या होगी, बेकार होगी। और चौथा लेवल, लेवल जो टॉप वाली ट्रे होती हैं वो तो खाली होती हैं, क्योंकि हमारा जो फीड सेक्शन होता है दोस्तों वो या तो सपोज करो यहाँ से आपने फीड किया, बाकी तो ये ट्रे तो खाली है, तो हम रिफ्लक्स को ऐसे यूज करते हैं कि वो उस जो खाली ट्रे है उसमें भी जाके गिरे। तो ये ट्रे जो है खाली हो जाएंगी, जब ट्रे खाली होंगी तो खाली ट्रे में जो है वो ओवर हीटिंग होने का चांस ज़्यादा है, या अगर किसी वजह से रिबॉयलर का लेवल डाउन हो गया, तो रिबॉयलर का लेवल डाउन हो गया तो हम क्या करते हैं उस समय कि टोटल रिफ्लक्स पे चला देते हैं, 100% रिफ्लक्स दे देते हैं, रिफ्लक्स ऊपर से डायरेक्ट नीचे आता है और रिबॉयलर में लेवल हो जाता है। लेकिन अगर अब रिफ्लक्स रहेगा ही नहीं, अगर रिबॉयलर का लेवल किसी वजह से कम हुआ तो तुरंत जो रिबॉयलर ओवर हीट होगा, ओवर हीट होके इसके ट्यूबें डैमेज होने का चांस ज़्यादा हो सकती है, तो ये इम्पैक्ट आ सकता है। अब दोस्तों इसके लिए हम करें क्या, रेमेडीज एक्शन क्या लें? तो दोस्तों समस्या ही समाधान है, सबसे पहले हम समस्या ढूंढ लेंगे तो वही समाधान निकल आएगा। जैसे हमने ढूंढा कि यार रिफ्लक्स इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि पंप ट्रिप है, तो पंप ट्रिप है तो उसे नॉर्मल कर लेंगे, रिफ्लक्स जाने लगेगा। या हमने ढूंढा कि रिबॉयलर में स्टीम नहीं जा रही है जिसकी वजह से वेपर नहीं बन रही है और रिफ्लक्स नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें स्टीम बढ़ा लो। या आपने ढूंढा कि रिफ्लक्स लाइन चोक है तो उसे डिचोक करा लो,
कि यही समस्या यही समाधान है। और ट्रबल शूटिंग में आज हमने रिफ्लक्स जो है लो है तो इसका क्या कारण है और क्या इसके इम्पैक्ट आ सकते हैं टावर में और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, ये हमने सब सीख लिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों रिमेडीज एक्शन इसी में से ही मिलता है कि जो हम ढूंढ लेते हैं पॉसिबल क्या क्या था। जैसे हम आपने ढूंढ लिया कि वो कि हमारा कंडेंसर गॉडफ्रे कंडेंसर फ्रीज हो गया है जिसकी वजह से हमारा हीट ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा है, तो इसे डिफ्रोस्ट करो डिफ्रेज करो इसे रिमूव करो। कैसे इसे करेंगे इसके लिए तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है हीट एक्सचेंजर के पार्ट में। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैन दोस्तों।